जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो एडमिशन कार्ड जो बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन पे जो है रेड टिक लगा हुआ है, ग्रीन नहीं हो पा रहा है, तो वो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने पहले भी जब गाइडलाइंस बताई थी वहाँ पर भी बताई थी, बट आप लोग वीडियो ध्यान से देखते नहीं और फिर बाद में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी बिल्कुल टू द पॉइंट ऑथेंटिक जो आपकी चीज़ें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी वो आप तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। इसके साथ ही पीजी एडमिशन जो है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तो चल ही रहा है, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आपको बता दें कि ये आपका CMP और ISDC में भी स्टार्ट हो गया है। CMP में तो आज से स्टार्ट हुआ है, ISDC में 5 तारीख से स्टार्ट होगा। क्या प्रक्रिया है, क्या आपको पहले से चीज़ों को जानना है, वो सारी चीज़ों की वीडियो मैंने बना दी है, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ देखिए जो पीजी एडमिशन है उसमें जो एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चों की, वो ये है कि एडमिशन कार्ड नहीं हो पा रहा है। तो वो कब होगा, तो मैंने बताया है कि एडमिशन कार्ड की जो समस्या है वो क्यों हो रही है कि जब आपने TC और माइग्रेशन अगर आपने सबमिट नहीं किया है, तभी जब आपका TC और माइग्रेशन, जब ये दोनों चीज़ें आप जो है रियल अपना जाकर के ओरिजिनल जो है वो जाके सबमिट करेंगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन जो है वो होगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो है जिन्होंने अंडरटेकिंग में भी किया है उन लोगों में भी एडमिशन कार्ड में ग्रीन टिक नहीं लग रहा है, तो इसको लेकर के भी है। लेकिन जब आप TC और माइग्रेशन दे देंगे तब आपको एडमिशन कार्ड जो है वो आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। इसमें कोई उतनी टेंशन की बात नहीं, अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है, आपका सीट जो है वो भी अगर हो गया है तो ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जैसे डेटा फीडिंग का काम होता है कि हाँ इतने बच्चों ने किया है, इतने ने ये किया है, तो वो विश्वविद्यालय को उसका आंकड़ा चाहिए होता है, जिसके लिए वो ऐसा काम जो है करते हैं कि भाई उनको TC माइग्रेशन, हो सकता है कि उन्होंने सीट आपके नाम से रिजर्व कर दी कि हाँ आपको सीट भी दे दी और बाद में आप किसी और दूसरे विश्वविद्यालय में चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपने TC माइग्रेशन दिए तो एक प्रकार से वो मानते हैं कि आप एकदम फिक्स्ड जो है अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जब तक आपका जो है मान के चलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं होता है उससे पहले तक का टाइम होता है, लेकिन जल्द से जल्द आप अपने विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, जहाँ भी आपने प्रीवियस UG किया है, जो भी आपने किया है, वहाँ से TC माइग्रेशन को ले आकर के सबमिट कर दें, तब आपका जो एडमिशन कार्ड है ऑनलाइन जो है उस पर ग्रीन टिक लग जाएगा। क्लियर है, तो परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपका ये TC और माइग्रेशन ओरिजिनल ना हो पाने की वजह से ये टिक ऐसा दिख रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद है कि जो आपकी समस्या थी वो सॉल्व हुई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।